हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे जिसके लिए मैंने आलूओं को अच्छे से बॉईल करके मैश कर दिए। सबसे पहले आलू का मसाला बनाएंगे जिसमें हरी मिर्च, अदरक ग्रेटेड, सुखाया हुआ पुदीना, अमचूर, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, हींग और ये सौंठ पाउडर, इन सबको मिलाकर सबसे पहले हम अपना आलू का मसाला तैयार करते हैं। अब हम ऐसे आलू के रोल्स बनाकर रख लेंगे। ब्रेड की साइड्स को निकालकर थोड़ा सा इसको बेलन की सहायता से पतला कर लें। ब्रेड स्लाइस लें, इसके ऊपर ये जो हमने रोल करके बनाए हैं लगाएं और इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैंने अरा रोट का घोल बनाया है जिसको चारों तरफ से लगा दें और अच्छे से चिपका देंगे। ब्रेड में आलू भरकर मैंने इसको रोल की शेप दे दी। अब ये हमारे स्प्रिंग रोल तैयार है। इसको आप ये कॉर्न फ्लोर के घोल में डिप करें और साथ ही इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दें। फिर हम इसको इसके बाद डीप फ्राई करेंगे। इनको डीप फ्राई करेंगे। हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना सैंडविच बनाएंगे जिसके लिए ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए सबके ऊपर। इससे सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दें। घी अप्लाई करने के बाद ये बने हुए छोले हैं इसके ऊपर लगा दें और फिर दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। बनाएंगे। मैंने इसको घी लगाकर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बना दिया है। क्रिस्पी चना सैंडविच बनकर तैयार है। चना सैंडविच ब्रेकफास्ट स्नैक बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेड का नाश्ता बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया, टमाटर को चॉप कर दिया, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च बहुत छोटी छोटी काटी है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला, सौंठ पाउडर, धनिया पाउडर और हींग, आवश्यकता अनुसार पानी। सबसे पहले हम इसका घोल बनाएंगे। घोल तैयार है। अब इसमें ब्रेड स्लाइस को डिप करेंगे और गरम तवे पर डाल देंगे। तवे को मैंने ग्रीस कर दिया। अब मैं ब्रेड स्लाइस को दूसरी साइड से सेकूंगी। ब्रेड का नाश्ता बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही टुकड़ा बनाएंगे जिसके लिए मैंने ब्रेड के एक पीस, ब्रेड के दो पीस कर दिए, तेल को गर्म कर दिया। सबसे पहले इनको फ्राई कर लें, अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। ब्रेड फ्राई हो गई है। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक कटोरी पानी, आधी कटोरी चीनी और थोड़े से इलायची को पीस दिए मैंने एक को और कुछ केसर के लच्छे। शुगर सिरप तैयार है। इसमें पानी में बॉयल आने के बाद बस अब इसको दो तीन बॉयल अच्छे से दिलवा लें और गैस बंद कर दें। अब एक एक पीस डिप करते जाएं और अपनी ट्रे में अरेंज करते जाएं। अब अपने ब्रेड पीसेस को पहले फ्राई करके रख लें, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तभी उनको शुगर सिरप में डालें, उससे फिर वो सौगी नहीं होंगे और खाने में मज़ा आएगा। शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। मैं इसको बादाम की गिरियां और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। शानदार शाही टुकड़ा बनकर तैयार है।